फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई, यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड को यूज करके फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे यानी कि इंस्टॉलमेंट पे कैसे खरीद सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में लाइव देखेंगे। किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, चार्जेस कौन कौन से देने होंगे, इंटरेस्ट कितने परसेंट का लगेगा, इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, आप चेक कैसे कीजिएगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबल है तो कितने अमाउंट तक का लिमिट मिलेगा, एलिजिबल नहीं है तो आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आइए जानते हैं। डेबिट कार्ड ईएमआई के तहत कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको सिर्फ अपने अकाउंट के डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड की जरूरत होती है, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, डाउन पेमेंट भी नहीं देना होता है, यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, आपका डेबिट कार्ड जिस अकाउंट का है उस अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तब भी आप प्रोडक्ट ईएमआई पे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास डेबिट कार्ड है जैसे यूज करके आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं, वो एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, फेडरल या इंडसइंड बैंक का होना चाहिए। तो अगर आपके पास इन्हीं बैंकों में से किसी एक बैंक का कार्ड है तो आपको चेक करना होगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो चेक कैसे कीजिएगा, चेक करने के मेनली तीन तरीके हैं। पहला, एसएमएस के थ्रू, यानी कि अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए उस डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर से 567676 पे कैपिटल में डीसी ईएमआई लिख करके एसएमएस करना है। कोटक, आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक का कार्ड है तो डीसी ईएमआई स्पेस और कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट लिख करके, अगर कोटक का है तो 567688 पे, आईसीआईसीआई का है तो 567666 पे और एक्सिस का है तो 5616100 पे एसएमएस करना है। वहीं एचडीएफसी का है तो 5676712 पे माई एचडीएफसी लिख करके एसएमएस करना है। इसी तरह से बाकी बैंकों में भी क्या एसएमएस करना है और किस नंबर पे एसएमएस करना है ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो एसएमएस करते ही सामने से रिवर्ट में आपको बताया जाएगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो कितने का लिमिट मिला है ये भी वही बताया हुआ रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने का लिमिट मिला है। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो ये भी वहीं पे बता दिया जाएगा कि आप इस डेबिट कार्ड ईएमआई सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि नॉन एलिजिबल होने का रीजन क्या है और आप भी एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। तो ये है पहला तरीका एलिजिबिलिटी चेक करने का। दूसरा, आपके डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से अगर आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट बना हुआ होगा तो जैसे ही आप प्रोडक्ट पेज पे आते हैं वहाँ ईएमआई वाले ऑप्शन में जहाँ क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिखाया जाता है वहीं पे जिस बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा उस बैंक में क्रेडिट कार्ड के साथ साथ डेबिट कार्ड का भी ईएमआई डिटेल्स दिखाया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इस बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है। या फिर इससे भी आसान, प्रोडक्ट खरीदने के दरमियान जब आप पेमेंट गेटवे में आइएगा तो वहाँ पे ईएमआई वाले ऑप्शन में अगर आपका किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा तो उन बैंकों का नाम ईएमआई के नीचे ग्रीन कलर से लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपके इस बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है। तो इन तीनों तरीकों से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता चला कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको आपके बैंक के हिसाब से स्पेसिफिक तरीके बताए जाएंगे जिससे कि आपको 100% अपनी एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा। तो अब अगर आप एलिजिबल हैं और आप प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं तो इंटरेस्ट कितने परसेंट का लगेगा। हर एक बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जैसे कोटक में 17.01%, एचडीएफसी में 16% से 20% तक, एसबीआई में 15.01%, आईसीआईसीआई और इंडसइंड बैंक में 16% लगता है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद रीपेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए 3 महीनों से लेकर के 36 महीनों तक का ईएमआई टेन्योर मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके बैंक और प्रोडक्ट प्राइस पे। तो अब आइए हम लोग एक प्रोडक्ट खरीद के देखते हैं ताकि आपको इसका सारा प्रोसेस सही सही पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट में लॉगिन हो जाना है और फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है, अगर आपके पास एचडीएफसी या आईडीएफसी का डेबिट कार्ड है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 5000 का होना चाहिए।
इसके अलावा अगर आपके पास एक्सिस, ICICI, SBI, फेडरल या इंडसइंड बैंक है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 8,000 का या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद बाय नाउ पे टैप करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है और आ जाना है पेमेंट गेटवे में। यहाँ पे EMI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तब ऊपर में ही डेबिट कार्ड / फ्लिपकार्ट EMI का एक अलग सेक्शन होगा। उसमें आपका जिस बैंक का डेबिट कार्ड EMI के लिए एलिजिबल है उन सभी बैंकों का नाम और साथ में डेबिट कार्ड EMI लिखा हुआ होगा। आप जिस बैंक के डेबिट कार्ड को यूज़ करके इस प्रोडक्ट को EMI पे खरीदना चाहते हैं उस बैंक के नाम पे टैप करके उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके प्रोडक्ट प्राइस और बैंक के हिसाब से EMI टेन्योर दिखाया जाएगा। तो उनमें से आप जितने महीनों के लिए वो प्रोडक्ट EMI पे खरीदना चाहते हैं उतने महीने वाला EMI टेन्योर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप इंटरेस्ट रेट और पर मंथ आपको कितने का EMI अमाउंट देना होगा ये दोनों चीज़ें भी जान सकते हैं। फिर कंटिन्यू करना है, तब यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट फिल करने को बोला जाएगा, जिसे कि आपको फिल करना होगा और पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे जिसमें कि तीसरे पॉइंट में बताया हुआ रहेगा कि आपका फर्स्ट EMI डेट कब का है, यानी कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपके अकाउंट से पहला EMI कब कटेगा। तो ये आपको जान लेना है और इस डेट को आपको याद रखना है। फिर कंटिन्यू करते ही रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा और OTP फिल करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सो इस तरह से आप डेबिट कार्ड को यूज़ करके फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट EMI पे ऑर्डर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑर्डर करते समय आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं, पैसे डायरेक्ट फर्स्ट EMI डेट को कटेंगे, जो कि हर एक बैंक का अलग अलग होता है। एक चीज और आपको जान लेना चाहिए, फर्स्ट EMI का जो डेट है हर एक महीने उसी डेट को आपका EMI अमाउंट आपके डेबिट कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा और इस तरह से जितने महीनों के लिए आप प्रोडक्ट EMI पे लिए होंगे उतने महीनों के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेबिट कार्ड को यूज करके फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट EMI पे खरीद सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं। बात करें चार्जेस की, तो इसमें जो सबसे पहला चार्ज लगता है वो है प्रोसेसिंग फी, पर अलग अलग बैंक्स के द्वारा अलग अलग प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है। जैसे SBI में प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, एक्सिस बैंक में 8% का प्रोसेसिंग फी लगता है, ICICI में 99 रुपये और बाकी HDFC, कोटक, IDFC, फेडरल और इंडसइंड बैंक में 199 रुपये का प्रोसेसिंग फी लगता है। आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अभी आप डेबिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट EMI पे खरीद लेते हैं और 1 से 2 महीने बाद जब पैसे आ जाएंगे तो उस समय जितने भी EMI अमाउंट बचे हुए होंगे सबको एक बार में पेमेंट करके पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे में आपसे फोर्स क्लोजर चार्ज दिया जाएगा, जो कि एक्सिस बैंक में नहीं लगता है लेकिन ICICI और फेडरल में 2%, SBI, HDFC और इंडसइंड बैंक में 3%, कोटक में 4% और IDFC में 5% दिया जाता है। बात करें लेट पेमेंट की, यानी कि अगर आप EMI डेट से पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डिपॉजिट करते हैं और आपका EMI अमाउंट पेमेंट होने के बजाय बाउंस हो जाता है तो वैसे में आपसे लेट पेमेंट फी चार्ज किया जाएगा, जो कि 100 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक का हो सकता है। इसी तरह के और भी कुछ चार्जेज हैं जिसका कि लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दिया गया है, वहां से आप सारे चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बैंक वाले आपके कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करने से पहले मेनली 4 चीजें चेक करते हैं। पहला सिबिल स्कोर, दूसरा आपका बैंक अकाउंट कितना पुराना है, तीसरा अपने बैंक अकाउंट में आप कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं और चौथा उसमें आप ट्रांजेक्शन कितना का करते हैं। इन चारों के बेसिस पे आपके कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो ये 4 चीज़ अगर आप 2 से 3 महीने तक मेंटेन करते हैं तो आप भी डेबिट कार्ड EMI के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। लेकिन अगर आपको अगले 15 दिन या 1 महीने के अंदर कोई प्रोडक्ट डेबिट कार्ड EMI पे खरीदना है और उससे पहले अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक तरीके बताए जाएंगे जिससे कि आप बहुत जल्द एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड EMI से रिलेटेड अब भी कोई सवाल है या इसी तरह का कोई टॉपिक है जिसपे कि आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां आपके सभी सवालों के जवाब तुरंत दिए जाएंगे और आपके भेजे गए टॉपिक पे अपकमिंग वीडियोज में वीडियो जरूर आएगा। साथ में दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई कमियां नजर आई हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।